देवास जिले के कन्नौज में पुलिस विभाग ने यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वाहन रैली का आयोजन किया। एडिशनल SP कार्यालय से वाहन रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ नगर परिषद उपाध्यक्ष गीता राजेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में एडिशनल SP नीरज चौरसिया, SDOP निर्भय सिंह के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व महिला पुलिस कर्मी दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर शामिल थे। नगर में भ्रमण के पश्चात रैली पुनः एडिशनल SP कार्यालय पहुंची। इस रैली के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। पुलिस इस रैली के माध्यम से ये भी कहना चाहती है कि बिना हेलमेट, बिना बीमा व बिना सुरक्षा के साधनों के वाहन न चलाएं। आपके घर पर कोई आस लगाकर इंतजार कर रहा है। उसी के पालन में आज 4 बजे कार्यालय से समस्त पुलिस स्टाफ को हेलमेट लगाने और दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। इसमें सभी वाहनों पर एक पट्टी लगाई गई थी, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा के चले, दूसरों की जान की चिंता करें, इस तरह की अलग अलग पट्टियाँ लगा के एक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक रैली शहर के मुख्य मार्ग, बाजार, हाईवे